वेलकम टू दिस चैनल। आप मैं आज बताऊंगी कैसे टी शर्ट से हेयर बैंड बनाना है। लेट स्टार्ट। मैंने इसे कट कर रही हूँ हाफ करके, आप उसे कट कर लेना। इसी तरह मैं एक एक करके मैं 4 पीसेस इसका निकालूंगी। देखिए मैंने एक पीस निकाला, उसी तरह नेक्स्ट 4 पीसेस आपको निकालना है उस टी शर्ट से। फिर दोनों को स्टिच करना है, दोनों को साइड में रख के। तो मैं स्टिच कर रही हूँ, फिर उसको स्टिच करने का फिर पलटना है। फिर पलट देंगे तो उसे इसका स्टिच पता नहीं चलेगा। देखिए मैंने तो दोनों सबको ऐसे करके पलट रहा है, आप इसे पलट सकते हैं। उसके बाद इसको मैं आयरन करके, इसके बिना धागा ना दिखे इसके कारण, और इसका लाइन पे एक जगह रहे। इससे क्या होगा ना कि एक आपके पूरे अच्छे से, मतलब मार्केट के अंदर आपको हेयर बैंड दिखेंगे। इसके बाद फिर मैंने ये वाला रबर वाला वीडियो मैंने दूसरे पे बता दिखाया है, आप वहाँ से देख लेना। मैं फिर साइड में जो उसको रबर है इसके ऊपर रखूँगी, ऐसा रखूँगी कि मैं इसका स्टिच ना दिखे। देखिए मैं इसके लिए अब मैं लेके आपको इसके ऊपर दिखा रही थी। इसको मैं साइड से रखी और उसके ऊपर मैं रखी और इसको स्टिच कर देंगे, जिससे मैं पलटूँगी तो मैं उसे दिखेगा नहीं। देखिए मैंने दोनों तरफ को कर दिया और उसको पलट दिया। पलटने के बाद इसके बाद मैंने एक उसी हेयर बैंड को लेने के बाद एक एक करके मैंने इसका 4 वाला पीस बनाया, एक के ऊपर एक। इसी तरह आपको बनाना है। और उसके बाद अगर मैं इसको स्टिच नहीं करूँगी या राउंड अप नहीं करूँगी तो मेरे इसके दिखेंगे नहीं मैंने बनाया क्या है। तो उसको मैंने राउंड अप कर दिया कि उसके बीच में रहे, हेयर बैंड के बीच में आपको करना है। इसी तरह मैंने दूसरा वाला लिया है, उसको मैं इसी तरह करूँगी। देखिए मैंने किया और इसके ऊपर सेम जैसा फर्स्ट वाला प्रोसेस की हूँ, सेकेंड वाला भी सेम उसी तरह करना है। करके सिंगल वर्क करके मैं इसको निकाल ली। इसके ऊपर मैं अब उसको रख के उसको बीच में, इसको स्टिच भी कर सकते हो या धागा से राउंड अप कर दो तो वो एक, मतलब साइड से हटेंगे नहीं, बीच में वो रहेंगे। फिर मैंने एक हेयर लिया और उसके ऊपर रखा और उसको मैं साइड से स्टिच कर दूंगी। मैंने स्टिच किया और इसको पलट, मैं तो वेस्ट फैब्रिक को पहले निकाल के हटा देती हूँ क्योंकि फिर नहीं तो वो पलटूंगी तो पूरा अंदर में हो जाएगा। तो इसको मैं पलट के वेस्ट फैब्रिक निकाला, फिर अब इसको पलट दूंगी। पलटने के बाद क्या होगा ना कि मेरे उसके स्टीच या कुछ भी नहीं दिखेंगे, तो वो मुझे मार्केट का तरह ही दिखेगा। बनाने देखिए मैंने इसे पलट दिया। पलटने के बाद सेम टू एक्स्ट्रा फैब्रिक जो निकला होगा या धागा निकला होगा सब मैं उसे कट कर दूंगी। उसी तरह आप कट कर देना। देखिए मेरे पास न्यू का न्यू मार्केट की तरह बन गया। आप भी ट्राई करो। थैंक यू। बस शेयर करो, लाइक करो, सपोर्ट करो।